वेलकम बैक टू अवर चैनल फूडी निक्स। दिस इज निहारिका, दिस इज गणेश। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी जगह जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही सुटेबल प्लेस है, जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट रेस्टोरेंट। और ये प्रॉपर एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है और उसी थीम के अकॉर्डिंग हमने अपना ड्रेसअप भी कर रखा है। सो गाइस, चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपने इनका एम्बियंस देखा, बहुत ही प्रिटी लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। इनके दो टाइप्स ऑफ सिटिंग है, एक है आउटडोर सिटिंग और एक है इंडोर सिटिंग। और देखने में एम्बियंस तो काफ़ी बढ़िया है। जो इनका आउटडोर सिटिंग है, वहाँ पे आपको पूरा गार्डन व्यू के साथ छोटी छोटी हट्स वगैरह बनी हुई है और कैबिन्स हैं यहाँ पे, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक। और जो इनका इंडोर सिटिंग है, वो प्रॉपर इनकी पूरी थीम बेस पे है। सो गाइज, आपने इनका इंडोर का इंटीरियर देखा है, एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट थीम पे पूरा बेस्ड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही अच्छा है ये जगह। सो गाइज, आप यहाँ का मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ आप स्टार्टर टू मेन कोर्स दोनों अवेलेबल मिल सकता है आपको। यहाँ पे वेज और नॉन वेज आपको दोनों प्रोवाइड होता है। तो गाइज, आइए दिखाते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करी है। हमने अपने स्टार्टर के लिए पनीर टिक्का ऑर्डर किया है और नॉनवेज स्टार्टर में हमने चिकन लेबनानी टिक्का ऑर्डर कर दिया है। मेन कोर्स के लिए हमने यहाँ पे वेज में पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया है और नॉनवेज के लिए हमने यहाँ पे बटर चिकन ऑर्डर किया है। साथ में है गार्लिक नान, सैलेड, ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइज, चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसी होने वाली है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा स्टार्टर आ गया है और हमने स्टार्टर में मंगाया था पनीर टिक्का और ये हमारा चिकन लेबनानी टिक्का। गाइस, आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट में भी देखते हैं कैसा है ये। गाइस, आप इनके चिकन का पीस देख सकते हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। गाइस, इनका पनीर टिक्का काफी टेस्टी है। जो भी इनके तंदूरी मसाले हैं, पनीर को काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैरिनेट किया है और उसको काफ़ी अच्छे तंदूर में इन्होंने फ्राई भी किया है, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। गाइस, चिकन प्रॉपरली कुक्ड है, इतना सॉफ्ट लग रहा है खाने में, ये जो चटनी है इसके साथ ये चिकन खाने में इतना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो चिकन में मसाले डाले हैं, एक तो परफेक्टली बैलेंस्ड है, इतना सही टेस्ट आ रहा है, हर एक मसाला बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्ड आ रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनका प्रेजेंटेशन ही देखे थे, इतना अच्छा था, मस्त है। तो गाइस, चलिए अपने स्टार्टर्स को हम फिनिश करते हैं और फिर मेन कोर्स के साथ मिलते हैं।
गाइज हमारा मेन कोर्स आ चुका है और हमने मेन कोर्स में पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था। ये हमारा चिकन बटर मसाला और गार्लिक नान है, जीरा राइस है और ये ग्रीन सैलेड है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं ये कैसा है। और गाइज आप देख सकते हैं गार्लिक नान कितना सही लग रहा है। तो गाइस इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। गाइस आप पनीर के साइज देख सकते हैं, बहुत बड़े नहीं है, नॉर्मल मीडियम साइज है। चलिए इसको टेस्ट भी करके बताते हैं ये कैसा है। बटर चिकन मसाला का ग्रेवी थोड़ा स्पाइसी है, मसाला है तो स्पाइसी है गई और अच्छा टेस्ट आ रहा है। क्रीम इन्होंने डाला है तो थोड़ा मीठा मीठा सा स्वाद भी है। आप इनके पीस देख सकते हैं, पीसेस इन्होंने बहुत सही दिए हैं। अब इसका बताते हैं इसको बना कैसा है। गाइस पनीर बटर मसाला का टेस्ट नॉर्मल है, ऐसा पनीर बटर मसाला है तो उसमें बहुत ही स्पाइसी नहीं है, हल्का सा एक स्वीट सा फ्लेवर आ रहा है। ग्रेवी काफ़ी स्मूथ है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। Guys, chicken is not a food for me. It's a love and emotion. क्या टेस्ट आ रहा है, गजब का जायका यार, गजब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्होंने एक तो इतना अच्छा सॉफ्ट है, परफेक्टली तरीके से इन्होंने कुक किया है, आप ये देख सकते हैं इतने सॉफ्ट तरीके से ये है, खाने में इतना अच्छा लग रहा है, सामने इन्होंने प्रेजेंट इतना अच्छा किया है, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। मैं उंगलियां चाट रहा हूँ, इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी लग रही मुझे। बटर मसाला इनका बहुत अच्छा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमने ट्राई करी, उसका टेस्ट वाकई में बहुत बढ़िया था। तो चलिए इन सब चीज़ों को फिनिश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सारी चीज़ें ट्राई करी स्टार्टर टू मेन कोर्स, सबका टेस्ट अच्छा था, हमें अच्छा लगा टेस्ट उसका। और ओवरऑल कहा जाए इस रेस्टोरेंट में सबसे बेस्ट था इनका नॉनवेज एज कम्पेयर टू वेज। नॉनवेज यहाँ बहुत अच्छा था, नॉनवेज लवर्स के लिए ये प्लेस एकदम बहुत बढ़िया है। और फ्रेंड इस रेस्टोरेंट को अगर रेटिंग करते हैं एम्बियंस फूड और सर्विस सब मिलाकर 5 out of 4 दे इट्स बेस्ट। यस इट्स नाइस, ठीक है 4 rating 9। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो में जो भी आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगती है आप बेशक उस पर डिसलाइक दीजिए, बट हमें कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन कर दिया करिए कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी है, सो गाइज हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकेंगे। और फ्रेंड ब्लैक एंड वाइट रेस्टोरेंट का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये प्लेस नॉनवेज लवर्स के लिए सही में बेस्ट है, आइए ज़रूर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। स्टे सेफ, लिव बेटर, बाय गाइज।